श्री राम मंदिर नजरकोट में सुंदरकांड व भंडारे का आयोजन हुआ। सुंदरकांड का पाठ आज चारों संकल्प पूरा हो गया पूरे श्रावण मास में के माध्यम हरेंद्र सिंगल जी बने हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं। पाठ का आनंद लिया और अच्छे से सुना। सावन माह के अंतिम मंगलवार एवं आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर नजफगढ़ के पंचायती श्री राम मंदिर में भाजपा नेता हरिंदर सिंगल द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी श्री आशीष सूद जी व नजफगढ़ के जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी के साथ साथ अनेकों भाजपा कार्यकर्ता व श्रद्धालु उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सावन के प्रत्येक मंगलवार को राम मंदिर में सुंदरकांड के पाठ के आयोजन के पश्चात भंडारे की व्यवस्था की जा रही थी। सावन के अंतिम मंगलवार को भी अनेकों श्रद्धालुओं व गणमान्य व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाया और हरिंदर सिंगल जी द्वारा किए गए इस आयोजन की तारीफ की। देखिए, सुंदरकांड तो हनुमान जी अपने आप ही करवा लेते हैं, माध्यम किसी को भी बनवा लेते हैं। और मंदिरों के शहर में यहाँ के सभी धर्म प्रेमियों ने मिलकर इस सावन के महीने के चारों मंगलवारों को सुंदरकांड का पाठ देश दिल्ली और नजफगढ़ क्षेत्र के पश्चिमी दिल्ली के सभी क्षेत्रवासियों के भले के लिए उनकी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया था। सबसे पहले तो मैं सिंगल जी को बधाई देती हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है और इस दौरान सुंदरकांड का पाठ करना, और आज ये जो सुंदरकांड का पाठ था इसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला और ये मेरा सौभाग्य है। और जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समाज के जितने प्रबुद्ध व्यक्ति, सब यहाँ मिल करके, सब ने इकट्ठा होकर के आज इस मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया। श्रावण मास में सुंदरकांड का पाठ हुआ अपने राम मंदिर में। आदरणीय बहुत विद्वान हमारे पंडित जी गुरु स्वरूप जगदीश प्रसाद जी, जगदीश नारायण वशिष्ठ जी और सत्यनारायण जी, इनकी प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से सुंदरकांड का पाठ आज चारों संकल्प पूरा हो गया पूरे श्रावण मास में। जो रुद्रावतार हैं भगवान, बड़ा आनंद से सारा कार्यक्रम हुआ। प्रसाद भी समय समय में भक्तों ने लगाया और बहुत आनंद के साथ आज तो बल्कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती को समर्पित रहा अमृत महोत्सव को। और हम सब ने पाठ का आनंद लिया और अच्छे से सुना और हमने सुंदरकांड के पाठ को किया भी, तो मैं बधाई देती हूँ सिंगल जी को भी। और सावन का महीना भी है तो सभी क्षेत्रवासियों को सावन के महीने की भी बधाई है, क्योंकि इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद हम सब पे रहता है। तो भगवान शिव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम सब की ज़िंदगी में खुशहाली लेकर के आए, ऐसी मेरी कामना है। और फौजियों का भी सम्मान हुआ, राष्ट्र को भी स्मरण हुआ, क्योंकि भगवान राम का जीवन भी प्रेरणा देता है कि सोने की लंका से मातृभूमि मुझे ज़्यादा प्यारी है। इसी चरण पे चलते हुए उन्होंने जो संदेश दिया, हमने भी उसका प्रतिपालन किया, क्योंकि भगवान राम का मंदिर राष्ट्र मंदिर बन रहा है और उसके बनने से पूरे राष्ट्र में एकजुटता आई है। और राम तो भारत का आधार है, प्राण है, भारत की है राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।